पदर नारला रेहड़ी फेड़ी वर्कर यूनियन ने उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर को ज्ञापन सौंपा तथा मांग की कि पिछले दो महीने से पदर नारला के रेहड़ी धारकों की रेहड़ी बंद कर दी गई है। ये फैसला मजदूर विरोधी है। सीटू जिला उपप्रधान रविकांत ने कहा कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और सरकार ने कहा है कि किसी का भी रोजगार इसमें प्रभावित नहीं होगा, मगर पदर एसडीएम ने इन सभी रेहड़ी धारकों की रेहड़ियों को बंद करने के आदेश देकर रेहड़ियां बंद कर दी हैं। यह सभी गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं और ऐसे समय में इनका रोजगार जाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। रेहड़ी से ही इनके परिवार का गुजर बसर होता है, मगर पिछले दो महीनों से यहाँ कोई भी काम नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन अगले 5 दिन में इन रेहड़ी धारकों के हित में फैसला नहीं देती है तो मजबूरी में पदर एसडीएम के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार और प्रशासन की होगी। हमारे साथ पदर और नारला नजुरेड़ी और फड़ी लगाते थे लोग, वो हमारे साथ आए हैं और एक प्रतिनिधि मंडल जो है आज हम डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे और इनको स्थानीय जो प्रशासन है पदर का एसडी महोदय ने बिना नोटिस दिए पदर और नारला के अंदर जो अपना रोजगार चलाने के लिए रेड़ी और फाड़ी लगाते थे उनको 15 अप्रैल को जो है, जबकि हमारे देश के अंदर जो लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसी परिस्थिति के अंदर इनको जो है इनका रोजगार छीना गया। इनके रोजगार के लिए आज हम डीसी साहब से मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि इनके रोजगार को बचाया जाए। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो वर्ष 2014 के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना है, उस एक्ट के चलते किसी भी रेड़ी और फड़ी धारक को अगर उस स्थान से हटाना है तो उसके लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था जो है प्रशासन को पहले करनी होगी। उसको तब तक नहीं हटाया जाता जब तक उसको अल्टरनेट जो वैकल्पिक व्यवस्था है तब तक नहीं होती है। तो आज हम मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि 5 दिन का हम समय देंगे जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, कि 5 दिनों के भीतर अगर रेड़ी और फड़ी वालों को अगर उनको बसाया नहीं गया, उनको स्थान नहीं दिया गया तो 5 दिनों के बाहर बाद जो है हम एसडीएम कार्यालय के बाहर जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जो है प्रशासन और सरकार की रहेगी। मैं साजू राम बोल रहा हूँ जी। मैं पदर बस स्टैंड में रेड़ी फेड़ी का काम करता हूँ और सब्जी बेचता हूँ। मैं बीपीएल परिवार से हूँ, बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी पहले से ही क्या नाम है मेरे, उनकी डेथ हो चुकी है और मेरे को 6-7 परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। यही से ही मेरी रोजी रोटी चलती है। सरकार से निम्र निवेदन है कि मैं 2-3 महीने से बहुत ही मुश्किल हालात से चल रहा हूँ और रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। इसलिए जो है मेरी पुण्य रेड़ी चलाई जाए और जितने भी रेड़ी धारक पद्र में है उन्हें लॉकडाउन में उठाया गया है, जो कानून से परे की बात है। रेड़ी लगाता था वहाँ से हमें हटा दिया गया है और आजकल हमें वहाँ से अपने परिवार का गुजारा वहीं से चलाता था और हमें कोई भी इसके हमें अपने परिवार को चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब हमें 2 महीने से वहाँ से हटा दिया गया है और न्यूज़पेपर में ऐसे ही रखता हूँ भारतीय हॉल पे, वो जहाँ पूरे दिन धूप होती है। हमें दोबारा वहाँ पे रेडियां लगाने दी जाए। हमें टायर वाली रेडियां हैं जो हम लगाते थे वहाँ पे और उसी पे हम काम न्यूज़पेपर का काम करता था, चाय बेचते थे। वहाँ से हमें हटाया गया है और हमें हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है आजकल। तो इसीलिए प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमें वहाँ पुनः रेडियो लगाने दी जाए। फ्रूट और सब्जी की फड़ी लगाती थी जो कि 2-3 महीने से अब जब लॉकडाउन लगा है बंद कर दी है। अब हमारे पास रोजी रोटी नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो गई है। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है और अब बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हमारी रेड़ी फड़ी हटा दी गई है, इसलिए हमें वहाँ दोबारा, हाँ जी पहले नहीं बताया उन्हें, 15 अप्रैल को हटाई है जी, लॉकडाउन के बीच हटाई है। इस अवसर पर सीटू जिला उपप्रधान रविकांत, रेहड़ी फेड़ी यूनियन राज्य सचिव सुरेंद्र कुमार, नौजवान सभा सचिव सुरेश शर्बाल, पदर नारला यूनियन के प्रधान गुलाब सिंह, सचिव सुनील कुमार और 30 अन्य रेहड़ी के विक्रेता मौजूद रहे।